भाभी की सौतन पार्ट वन। माँ, भाई ने इस लड़की से क्यों शादी की? मुझे ये अधीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी, अब क्या कर सकते हैं, मैं भी तुम्हारे भाई की शादी इस लड़की से नहीं कराना चाहती थी, लेकिन समर्थ की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। समर्थ ने अपनी पसंद की लड़की अधीरा से शादी की है, लेकिन उसकी माँ मंजू और बहन सौम्या को अधीरा बिल्कुल पसंद नहीं है। समर्थ की माँ ने तो अपने बेटे के प्यार के आगे अपना सर झुका लिया और दोनों की शादी करवा दी, लेकिन सौम्या ने अभी तक हथियार नहीं डाले थे। वो अभी भी अपनी भाभी को घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बहू, ओ बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं? लाई माँ जी। एक तो समर्थ भी न जाने कहां से इस लड़की को पकड़ कर ले आया है, हर काम ऐसे करती है मानो हाथों में मेहंदी लगी हो। लीजिए माँ जी चाय। अच्छा तो ले आई तू चाय, मुझे तो लगा था कि तू सुबह की चाय दोपहर के खाने के बाद देगी। माँ जी, दूध वाला लेट आया था इसलिए चाय बनाने में लेट हो गई। इतने में सौम्या वहां जाती है। माँ, मैं अपनी सहेली देविका से मिलने जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। सौम्या, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, पहले नाश्ता कर लो फिर चले जाना। मुझे आपके हाथ का बेस्वाद खाना नहीं खाना, मेरी सहेली देविका बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं उसके यहाँ खा लूंगी। ओके माँ बाय, मैं चलती हूँ। सौम्या के जाने के बाद मंजू अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू तूने इतनी बुरी चाय बनाई है, इससे अच्छा तो तू जहर पिला देती, कम से कम वो मीठा तो होता। अगर मेरे बस में होता तो चाय की जगह जहर ही दे देती। कुछ कहा तूने? अब नहीं माजी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। रहने दे, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, तो घर का सारा काम करके रखना, शाम तक आ जाऊंगी। और हाँ, रात के खाने में कुछ अच्छा बना लेना। मंजू अधीरा पर हुक्म चलाकर चली जाती है। अधीरा बड़बड़ाती हुई किचन में जा रही होती है कि तभी समर्थ वहां आ जाता है। अधीरा, नाश्ता लाओ जल्दी से, ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या करोगे नाश्ता करके, किसी को भी मेरे हाथ से बना खाना पसंद नहीं आता, आप भी बाहर ही कर लेना नाश्ता। लगता है माँ और सौम्या ने फिर तुमसे कुछ कहा है, तभी तुम्हारा मूड इतना खराब है। तुम माँ और सौम्या की बातों का बुरा मत माना करो, मैंने माँ के खिलाफ जाकर शादी की है ना, इसलिए वो तुमसे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है। लेकिन मुझे पता है जिस तरह तुमने मेरा दिल जीत लिया, उसी तरह तुम माँ और सौम्या का दिल भी जीत लोगी। बातें बनाना कोई आपसे सीखे, अब आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही। हो तो रही है, लेकिन सोच रहा हूँ सौम्या और माँ घर पर नहीं है, तुम दिन भर अकेली घर में क्या करोगी? मैं आज ऑफिस की छुट्टी कर ही लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं घर में अकेली रह सकती हूँ, आप ऑफिस जाओ, चलो जाओ और अपना काम करो। समर्थ ऑफिस चला जाता है और शाम को जब सभी घर आते हैं, अधीरा सबके लिए बड़े प्यार से खाना तैयार करके रखती है। सौम्या सबसे पहले किचन में जाती है। अरे वाह, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन मुझे इस खाने का मजा किरकिरा करना ही होगा। सौम्या खाने के अंदर बहुत सारी हल्दी डालकर चली जाती है। उसके बाद अधीरा सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता। छी भाभी, कितना बुरा खाना बनाया है, इससे अच्छा तो आप हमें मना ही कर देती कि आप खाना बनाएंगी ही नहीं, तो हम बाहर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाते, कम से कम हमारे मुँह का स्वाद तो नहीं बिगड़ता। बहू, तूने हम सबको सुबह बिना खाना खाए निकाल दिया और अब भी हमें बिना खाना खाए सोना पड़ेगा। क्या करती हो अधीरा, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या, दिमाग खराब कर दिया। समर्थ गुस्से में वहां से चला जाता है, उसके पीछे पीछे सौम्या भी जाती है। भैया, हमने आपसे कितना मना किया था कि इस लड़की से शादी मत करो मत करो, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। आप मेरी सहेली देविका को तो जानती हो ना, सुंदर होने के साथ साथ हर काम में माहिर है। सौम्या, देखो मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। सौम्या ने समर्थ के दिल में अधीरा के लिए नफरत डालने की कोशिश की। अगली सुबह अधीरा जल्दी सोकर उठी और सबके लिए नाश्ता बना लिया, लेकिन समर्थ बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए निकल गया। सौम्या भी ये सब नोटिस कर रही थी, उसने देविका को घर पर बुला लिया। देविका, आज भैया बहुत गुस्से में है, आज तुम ऐसा खाना बनाओ कि भैया उस अधीरा की तारीफ करना भूल जाए। सौम्या,
तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारा भाई शादीशुदा है, वो कभी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन तुम तो भाई से पहले से ही प्यार करती थी ना? हाँ करती थी, लेकिन ये उन दिनों की बात है ना। चुप रहो तुम, अगर तुम्हें भैया को पाना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। सौम्या ने जैसा जैसा कहा देविका ने वैसा ही किया। देविका ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। शाम को सभी लोग इकट्ठा हुए और सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। इतना मजेदार खाना खाकर सबने देविका की खूब तारीफ की। समर्थ ने अपनी पत्नी को ताना देते हुए कहा, अधीरा देविका ने कितना अच्छा खाना बनाया है, तुम्हें देविका से खाना बनाना सीखना चाहिए। अब तो ये रोज की बात हो गई। सौम्या हर बार देविका को अपने घर बुलाती और किसी न किसी बात पर अधीरा को शर्मिंदा करती। सौम्या अपने भाई की बात देविका से कराने लगी। अब समर्थ भी देविका से प्यार करने लगा। सौम्या ने अपने भाई से कहा, भैया आपको देविका पसंद है ना? अरे तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देविका से शादी कर लो। अरे सौम्या ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि देविका मुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी और अधीरा भी इस रिश्ते से खुश नहीं होगी। आप देविका की चिंता मत करो, उससे मैं बात कर लूंगी, आप बस अधीरा भाभी को समझा दो। सौम्या की बात सुनकर समर्थ अधीरा के पास जाता है। वो उससे अपनी और देविका की शादी की बात करता है। अधीरा मैं देविका से शादी करना चाहता हूँ। क्या आप शादी करोगे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार तो आप मुझसे भी करते थे, कल कोई और लड़की पसंद आ जाएगी तो तीसरी शादी कर लोगे? देखो अधीरा, तुम्हें घर में कोई पसंद नहीं करता, तुम्हारी शादी मैंने माँ के खिलाफ जाकर की थी, अब तुम मेरे और देविका के बीच में मत आओ प्लीज। क्यों बीच में ना आओ? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, आप चाहे कुछ भी कहो। अधीरा के लाख विरोध के बावजूद भी सौम्या और मंजू ने समर्थ की शादी देविका से करवा दी। आखिरकार सौम्या अपनी भाभी की सौतन ले ही आई। शादी के बाद देविका ने घर में आते ही घर वालों के साथ कैसा सलूक किया और अधीरा के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए।